पॉलिटिकल और गैंग वार बेस पर है, एक यूपी की रियल स्टोरी है ये। सीतापुर से स्टार्ट होती है, ददन शुक्ला का नाम सुना है वहाँ पे, उन्हीं के अनुसार फिल्म चल रही है। क्या ददन शुक्ला की बायोपिक होगी ये फिल्म? बायोपिक नहीं कहेंगे लेकिन बेस्ड है, बेस्ड हो सकती है। स्टार कास्ट के बारे में हमें बताइए, फिल्म के बारे में। स्टार कास्ट, इसके बाद एक फिल्म आई थी रणनीति जी, जिसको डायरेक्ट मैंने ही किया था, उसी से ये उसका जो मेन लीड करेक्टर था ना राहुल आचरा, उसको कास्ट किया गया है। इसमें हेमंत व्यास भी है, मुश्ताक खान को भी दिया गया है, कुछ यहाँ करेक्टर है और ज़्यादातर FTI और BNS है। संगीता जी बैठी हुई हैं। संगीता जी हमारी बहुत खास है, चीफ गेस्ट हैं आज हमारी। मैं आज पवन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए आई हूँ। इनका एक फोन आया, मैंने कहा आप तो प्लीज़ अपना प्रोग्राम जारी रखिए और मैं आपको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मेरी बहुत तहे दिल से रेड लाइट के लिए शुभकामनाएं है पवन जी के लिए और पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप क्या फिल्म में भी नजर आएंगी संगीता जी? कुछ बातें हुई हैं इसे लेकर? मैं इस फिल्म में तो नहीं, मैं अगली फिल्म में हूँ। नहीं, इस फिल्म में क्यों नहीं, कोई खास हो जाए पवन जी? इस फिल्म में एक्चुअली हम लोगों का जो डे टू का थोड़ा सा सिलसिला है वो मैच नहीं हो पा रहा है। टाइटल से मैच कर रहा रेड लाइन सबका। हाँ, तो पॉजिटिव है ना, इसीलिए पॉजिटिव है। किशन और जगन्नाथ राव, इनका नया बैनर है और इनकी पहली फिल्म हो रही है, ये सौभाग्य प्राप्त है कि जो मैं इनकी फिल्म कर रहा हूँ। और साहिद जी से कुछ सवाल करें, साहिद जी ने गाना किया है और साथ में बैठे हैं म्यूजिक डायरेक्टर सिंह पांडे जी। साहिद माले जी का बहुत स्वागत है, कुछ बताइए क्या रेड लाइन में कुछ नया करने वाले हैं आप? नया नहीं है, ये एक रोने धोने वाला गाना है और जिसको सैड सॉन्ग के रूप में हमने गाया है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है कुमार रवि ने और कंपोजिशन बहुत सरल और लोगों तक पहुँचने वाली अभिषेक पांडे जी ने कंपोजिशन बनाई है हमारे साथ में बैठे हैं। तो मैं पवन जी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छे प्रोजेक्ट में जोड़ा मुझे और मैंने कोशिश की अच्छा गाने की, बाकी आप सुनेंगे तो ज़्यादा आइडिया लगा पाएंगे क्या जगह। नहीं, बहुत अच्छा निभाया है साहिद जी ने, मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा निभाया है, थैंक यू। असल फिल्म का जो पोस्टर दिख रहा है, जिस एक जगह दिखाई दे रहा है मस्जिद दिखाई दे रही है और दंगे जैसे दिखाई दे रहे, तो क्या है फिल्म? नहीं सर, वो दंगा नहीं दिखाई दे रहा, मस्जिद और मंदिर तो हमारे धर्म में है, हमारे भारत में, हमारे कल्चर में है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, और हम तो समझते हैं कि हर शहर में है, हर गांव में है और होने भी चाहिए, तो एकता का प्रतीक है वो। देखिए भीड़ लगी हुई है और सब इकट्ठा होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। तो फिल्म किस बेस में है? पॉलिटिकल गैंग वार है। नहीं ना, मैं समाजवादी पार्टी के ऊपर बना सकता हूँ, ना बीजेपी के ऊपर, ना कांग्रेस के ऊपर। काल्पनिक पार्टियाँ होंगी लेकिन कुछ सच्ची कहानी रहेगी। डायरेक्ट राजा भैया को हम मार नहीं सकते, बता सकते हैं। जो जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो किसके ऊपर है, कुछ बताना चाहिए? ये व्यक्ति जो जिसका चेहरा आपने दिखाया नहीं है, क्या है ये? जो आजकल क्या होता है, पॉलिटिकल मामला जो होता है, राजनीति बड़ी गंदी दशा देख रहे हैं लोग। हो सकता है वो बंदा आके सुधार करना चाह रहा हो, लेकिन वो केजरीवाल नहीं हो सकता। शाहिद भाई ये बताया गया, बड़ा खूबसूरत गाते हो आप, गा के थोड़ा सा सुनाएंगे कुछ चीज? जरूर। वो बंदा ऐसा है कि जो आता है राजनीति में आता है वो, लेकिन वो सुधार करना चाहता है, उसी की बातें लोग सुन रहे हैं, जैसे धर्म के हैं, जैसे मजहब के हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं और बदलाव लाना चाहते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि राजा भैया को कोई मार नहीं सकता, तो क्या राजा भैया ही है पोस्टर में जो दिखाई दे रहा है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। पवन जी, जो स्टार कास्ट आपने अभी बताया उसमें से कोई नजर नहीं आ रहा, क्या ऐसा कुछ इसके? सर, कुछ जो स्टार कास्ट है हमारी शूट चल रहा है, हम लोगों का उसमें बिजी है, रेखा पांडे वगैरह बिजी है, राहुल अंजना बिजी है, गुजरात में उसका शूट चल रहा है, तो मुहूर्त का भी जरा है और नेक्स्ट जब इकट्ठा होंगे तो फिर एक पीसी करेंगे। तो रेड लाइन जिस प्रकार से ये टाइटल है आपका, जो पोस्टर है आपका, तो इसे कुछ नया नहीं लग रहा है, बहुत सिमिलर लग रहा है पांडे जी, क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं समाज में जो नहीं पता है, जो अनटोल्ड स्टोरी जिसको कहते हैं, कि जो चीज लोगों को नहीं पता है वो आप इस फिल्म से, फिल्म के माध्यम से लोगों तक, लोगों को बताना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसी बात है या क्या ट्विस्ट है? लाल लकीर है सर, क्या है कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, एक लकीर खींच दी गई थी, तो वैसे ही कुछ इस फिल्म में समाज के लिए।
तो जरा विस्तार से थोड़ी सी जानकारी तो दे दें। तो मैंने बताना कि पॉलिटिकल और गैंगवार, राजनीतिक और। चलिए, कैसे आया ये जहन में आपके रेड लाइन फिल्म बनाने की? सर, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, बिलोंग करता हूँ, और वहाँ की धरती से हूँ, तो वो चीज़ें शुरू से रही हैं और पॉलिटिकल फैमिली है, मैं देखते चला रहा हूँ। ठीक है, मैं पीने रहा, एफबीआई गया, सब कुछ रहा, लेकिन वो सोच मेरी नहीं कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, और जो वहाँ मैं देखा है उसको उभरना चाह रहा हूँ। तो रियल लाइफ में भी आप इन्वॉल्व थे गैंग वॉर से? नहीं, मैं कैसे इन्वॉल्व होऊंगा यार, मैं तो केवल आपके साथ इन्वॉल्व हूँ। तीसरी फिल्म और पहले के जो जस्ट एक दबाव रहा रणनीति आई थी, डियर जिंदगी साथ ली जो हुई थी, लीनियर रही थी। अच्छा, और आगे आगे किस तरह की फिल्म बनाने का विचार? सर, कॉन्सेप्ट डार्क ही रहेगा। डार्क? डार्क कॉन्सेप्ट, कोई पॉजिटिव स्टोरी नहीं। पॉजिटिव? अभिषेक, आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक की अगर बात करें तो इसमें जी अभिषेक सर, इसमें एक सैड सॉन्ग है जो थीम बेस्ड है, और कुछ आइटम भी हैं जो स्टोरी के साथ, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है म्यूजिक का, उस हिसाब से गाने किया गया है। टोटल कितने गाने होंगे सर? चार पाँच गाने। किस तरह होगा गाने? सर, सैड नहीं है, सैड है कुछ आइटम बेस्ड है। इकबाल भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे। चलिए चलिए सर, आप ही बता दीजिए। रेडलाइन अभी स्टोरी लिखी हुई है, पॉलिटिक्स और गैंग वॉर में देखा हुआ, तो गलत देख रहा हूँ, बना नहीं। थैंक यू। और मैं निर्देशक पवन पांडे जी के साथ पहले रणनीति फिल्म कर चुका हूँ, और आज भैया ने बुलाया है तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, और निर्माता महोदयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अच्छी फिल्म बन रही है, पोस्टर भी मैंने देखा, रेड लाइन का अल्टीमेट पोस्टर बना हुआ है, और आप मीडिया वाले लोग इस फिल्म को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, यही चाहते हैं। और एक अभिनेता के रूप में चाहता हूँ कि अच्छी फिल्म बनती है, और हमारे बड़े भाई हैं पवन पांडे जी और साहिद माल्या जी हैं, उड़ता पंजाब, और इन सब धमाल जा चुके हैं भाई सिंगिंग में, मैं तो सुनता हूँ इनको, तो बहुत अल्टीमेट लगता है। हम लोग की पहचान नहीं है, लेकिन बाय द वे ये गाते हैं तो एक खाना खैन की आवाज़ में, तो सबको आप लोगों ने सुना ही होगा, तो मैं पुनः एक बार बधाई दूँ। पवन पांडे के बारे में बुराइयाँ याद है? बुराइयाँ तो याद नहीं है, लेकिन ये ऐसे डायरेक्टर हैं, जब मैं रणनीति कर रहा था तो मतलब ये एक बच्चा नहीं होता, उसको कुछ कार कैसे अभिनय किया जाता है, भाई नहीं आ रहा तेरे को, तब भी वो बताना है कि बेटा देख ऐसे करना है, एक वर्कशॉप देना है एक अलग तरीके से। बता दूं कि पिछले वर्ष 25 नवंबर को शाहरुख खान के साथ हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, भैया ने बताया भी, भैया कह रहा हूँ कि बहुत करीबी हूँ इस वजह से, तो उस दौरान वो फिल्म की मुझे बहुत कठिनाइयाँ थी, मतलब पैसे वाला प्रॉब्लम था, ये जो मोदी जी ने बंद किया था कि मैं वो डर पूरा, तो उस दौरान रिलीज हुई थी, फिर भी हमारी फिल्म अच्छी चली, मतलब एक बहुत ज़्यादा बहुत चली, तो उस फिल्म का कलाकार के रूप में था भैया, मत कोई गलती नहीं, मतलब ये सिखाए ही हैं, और कोई नोक झोंक हम लोग की नहीं रही है, ट्विस्टिंग रहा कि हमेशा सिखाते रहे, डांटते रहे, फटकाते रहे। तुम जितना करोगे तुम, हम उतना मुस्कुराएंगे, सितम जितना करोगे तुम, हम उतना मुस्कुराएंगे, भूलना चाहोगे जितना, हम उतना याद आएंगे, सितम जितना करोगे तुम, हम उतना मुस्कुराएंगे। ये सब चीज़ के लिए तो फिलहाल हम एकदम नए हैं, इसके बारे में ऐसा कुछ जहन में नहीं था, मगर जो अभी चल रहा है, जैसा वक्त, जो हालात इस वक्त मध्य प्रदेश में है, तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ मिलता जुलता उससे मैसेज देना चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और पॉलिटिक अपना क्या काम कर रही है। तो आप नए हैं बॉलीवुड में, आप नए आए हुए हैं, और पता है आपको, जैसे कहते हैं ना कि प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता है, तो आपने पूरी तैयारी करके आई है इसकी? बिल्कुल सर, आप चलिए जानना चाहिए कौन सर है जो बिल्कुल हमारे लिए पूरी तरह से मजबूत है, और हमारे जगन्नाथ राव सर जो हमारे को पूरी तरह से बैकिंग की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ डायरेक्टर बैकिंग कर रहा है।
जी सर आपसे भी जानना, बारिश खत्म हो जाए, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, सर ने सॉन्ग कर दिया है, अभी एक वाणिज्य पार्टी है जो उसने पंडे यूनिवर्सल में गाया था लैला ओ लैला, वो भी गा रही है, आइटम सॉन्ग जो अभी एक पांडे ने बताया, एक आइटम बहुत अच्छा आइटम है। तो जैसे अभी शाहिद जी ने गाना गाया कि हम मुस्कुराएंगे, तो फिल्म लगाने के बाद आप मुस्कुराएंगे, दर्शक भी मुस्कुरा के जाएंगे थिएटर के बाहर से? सर आशा तो सब लगा के चलते हैं कि मुस्कुराहट चेहरे से खत्म ना हो। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों को जवाब देने के लिए, थैंक यू। ताकि दर्शकों को वो मजा आए देखने में और गाना सुनने में, और इन्होंने मुझे इस गाने के लिए बुलाया, तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ और आगे भी फ्यूचर में काम करेंगे। सर किस तरह की मूवी है? पॉलिटिकल गैंग वॉर। पॉलिटिकल गैंग वॉर, इसके पहले मैं मूवी बना चुका हूँ, जो रणनीति है मेरी ऐसे ही बेस्ट है, क्योंकि जोनर मेरा वही है जैसे अनुराग जी का जोनर है, मेरा जोनर है सेम जोनर है। स्टारकास्ट की बात करें, कौन कौन है इसमें? स्टारकास्ट में राहुल आंजना है जो FTI से है, और ये इसकी तीसरी मूवी हो। और हीरोइन? हीरोइन एक फाइनल है साउथ की है, वो काजल नहीं है। लाल लकीर, तो ये जैसे एक लकीर खींच दी थी उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटने के लिए, वैसे आज समाज में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको लेके हमने ताना बना बुना इसका। तो क्या बेस पे रहेगी पिक्चर, मतलब क्या मैसेज? अभी बताया सर मैंने कि वो जो आपका बेस है वो पॉलिटिकल होगा इंक्वायरी। साहिद जी को क्यों चुना अपने गाने के लिए कुछ खास? सर साहिद जी के गाने में बहुत टेंसेस होता आ रहा हूँ, इन्होंने धमाल मचा दिया था और इनके गाने मेरे कानों में गूंजते थे कभी कभी, तो जब ये डिसाइड हुआ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोल है तो लगता है कि ये वॉइस होनी चाहिए, किसकी वॉइस होनी चाहिए मैच करता है, तो दिमाग में आया तो मैंने इनको कॉल किया और एक्सेप्ट किया, इन्होंने बहुत अच्छा लगा, इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हाँ एक बार मैं। सर देख कौन सा गाना है जो आप गा रहे हैं इसमें, गाने की लाइनें? गाने की लाइनें मैंने अभी गा दी थी, लेकिन अभी सोच लो सितम जितना करोगे तुम उतना मुस्कुराएंगे, भूलना चाहोगे जितना हम उतना याद आएंगे, सितम जितना करोगे तुम हम उतना मुस्कुराएंगे। और क्या क्या प्रोजेक्ट रनिंग है आपके आजकल? काफ़ी सारे हैं, टीवी पे आते हैं तो भी पता चलता है, मैम तो गाना गा के ना स्टूडियो से निकल जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि गाने मिल रहे हैं और काम चल रहा है। थैंक यू सर।